परिषद में आज राजद ने नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर, कांग्रेस ने बिहार के कॉलेजों में मैथिली की पढ़ाई शुरू कराने की मांग को लेकर कार्यस्थगन कर प्रदर्शन किया। वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने नीतीश कुमार के 200 सीटों के जीतने के दावे पर कहा कि लोकसभा में गलती से जीते थे। राबड़ी देवी ने कहा, नीतीश कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर रैली किए थे जो कि फ्लॉप रहा। जदयू एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी के टीका टोपी नारे पर राबड़ी देवी ने कहा कि किसी के साथ भी रहें, लेकिन इन लोगों को बिहार में जनता से मतलब नहीं है। सरकार किसी के साथ बना ले, अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से शिक्षा मामले में शिक्षकों हड़ताल को लेकर कार्यस्थगन है और कांग्रेस के तरफ से मेरा कार्यस्थगन है मैथिली भाषा के संबंध में। आप सबको बताना चाहता हूँ कि मैथिली संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल है। IAS और IPS के इम्तहान में मैथिली एक विषय के रूप में आप रख सकते हैं, लेकिन बिहार जहाँ करोड़ों लोग मैथिली भाषा बोलते हैं, बिहार के स्कूलों में प्राथमिक शिक्षा में माध्यमिक शिक्षा में बड़ी चालाकी से सरकार ने मैथिली भाषा की पढ़ाई को बंद करा रखा है 15 वर्षों से। बिहार में अन्य सभी भाषाओं की पढ़ाई होती है, हमें किसी पर एतराज़ नहीं है, लेकिन मैथिली की पढ़ाई स्कूलों में न होना, फारसी का होना, बंगला का होना, हिंदी उर्दू सभी विषयों का होना और मैथिली का नहीं होना, कहीं न कहीं राज्य सरकार का सौतेलापन और दुर्भावना दिखाई देता है मैथिली के बारे में। इसीलिए आज इस पर कार्यस्थगन हम लोग दे रहे हैं, सरकार से पूछेंगे क्या यहाँ करोड़ों लोग मैथिली बोलते हैं। JDU ने तो उम्मीद था कि हमारे पास 2 लाख वर्कर आएंगे, बना दिया 2 लाख लोग आए मात्र 14,000। 14 साल के CM के रैली में 14,000 कार्यकर्ता है, यह पर्याप्त है कि अब नीतीश जी से आम जनता का भी मोहभंग हुआ है, उनके कार्यकर्ताओं का भी मोहभंग हो चुका है। तो क्या मैथिली भाषा की पढ़ाई तमिलनाडु में होगी? इसलिए हमने कार्यस्थगन दिया और सरकार से इस पर जवाब मांगा। आप जानिएगा, आप लोग तो दिखाए नहीं, एक तरह जनता को दिखाना चाहिए कि कितना लूट हुआ है। सरकारी लूट है, कार्यकर्ता के नाम पर सरकारी लूट हुआ है। टीका टोपी साथ में रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। कोई के साथ रहेगा कोई मतलब नहीं है, जनता से मतलब लोग का नहीं है। सरकार किसी को साथ बना ले वो अलग चीज है। लूटा, अपहरण, बलात्कार, मर्डर सब हो रहा है, देखना चाहिए ना क्या क्या हो रहा है, कहाँ रुक रहा है। सुशासन का सरकार है, कानून काम करेगा, क्या कानून काम करेगा, जो कानून काम कर रहा हो तो देश देखिए रहा है, बिहार की जनता भी देख रहा है। उनका रैली फ्लॉप हो गया है, रैली तो कल सैकड़ों लोगों से सुना जाए, या चुनाव के पहले या रैली थी नीतीश कुमार की, बिहार की जनता का मोह खत्म है और कार्यकर्ता का भी मोह नीतीश कुमार से के प्रति समाप्त हो गया है। अगला चुनाव में ये 2 नंबर पर भी ये नहीं रहेंगे। आप लोग भी रैली बुलाएंगे? परीक्षा में पास नहीं हुआ, फेल हो गया। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।